हरियाणा न्यू वैकेंसी 2021। हरियाणा के 7 जिलों में आई 4 प्रकार के पदों पर नई भर्ती। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जिसके ऊपर हरियाणा की सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती है, इसलिए अगर आपको भी सही और सटीक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दुरीना ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये सभी टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री हैं। साथियों, फ्री में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बस आपको दुरीना ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करके आप उसमें रजिस्टर कर लें, फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा आपका, और होम पेज को ऊपर की ओर स्क्रॉल करके टेस्ट आइकन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ आपको सबसे ऊपर साथियों जो फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है वो मिल जाएंगी। इस ऐप के ऊपर ये टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज दी गई है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके और आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट देने के बाद आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी साथी ने पहले से दुरीना ऐप डाउनलोड कर रखा है वो उस ऐप को अपडेट जरूर कर ले। चलिए साथियों, हरियाणा में जो 7 जिलों में वैकेंसी आई है उनको देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तहत ये भर्ती आई है। एडवर्टाइज फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस, यानी कि ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर रहेगी। और साथियों, इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपका कार्यकाल के समय व्यवहार अच्छा रहता है और काम अच्छा रहता है तो आपका कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। ये देख सकते हैं साथियों, जो मेडिकल ऑफिसर की अच्छी खासी सैलरी भी दी जा रही है। साथियों, मेडिकल ऑफिसर की पहली पोस्ट है जो 7 जिलों के अंदर आई है, कैथल, फतेहाबाद, अंबाला, बहादुरगढ़, झज्जर के अंदर जो बहादुरगढ़ है साथियों वहाँ, हिसार, रेवाड़ी और सिरसा, ये 7 जिलों के अंदर ये भर्ती आई है। MBBS डिग्री मांगी गई है और 50,000 रुपये इसके लिए सैलरी दी जाएगी। दूसरा पद है काउंसलर का, इसके लिए 13,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ये वैकेंसी 2 जिलों के अंदर है, कैथल और फतेहाबाद, इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है। तीसरी पोस्ट ANM की है साथियों, जिसके लिए 9,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। ये भी कैथल और फतेहाबाद जिले के अंदर एक एक वैकेंसी है, और इसके लिए ANM डिप्लोमा इन नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग आपके पास होनी ज़रूरी है। जो चौथे प्रकार का पद है वो डाटा मैनेजर का है साथियों, इसके लिए सैलरी 13,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। ये भी वैकेंसी 2 जिलों के अंदर है, कैथल और फतेहाबाद के अंदर। इसमें ग्रेजुएट विद फॉर्मल ट्रेनिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी ज़रूरी है आपके पास। और साथियों, इस भर्ती के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भी इस PDF के साथ दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है डिजिटल फ्री शिक्षा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो साथियों, 15 दिन का समय आपको दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये एड्रेस रहेगा हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, पंचकुला, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस हरियाणा, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर 6 एंड पंचकुला। और कब तक अप्लाई कर सकते हो? द एप्लीकेशन शुड रीच द ऑफिस ऑफ हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी पंचकुला बिफोर बाय 5 PM विद 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट की डेट के 15 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो साथियों, आपको बता देते हैं, 26 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट आई है और आपको सबसे पहले इस भर्ती का अपडेट भी दिया जा रहा है, इसलिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपको हमारा ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।